गंज बासुदा में पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के द्वारा सिटी कोतवाली में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान शहर में हो रहे अपराध का खुलासा किया गया। बताया गया कि ड्रग्स, गांजा, सट्टा, अवांछनीय गतिविधियों पर कार्यवाही करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। उसी के चलते आज थाना प्रभारी कुंवर सिंह मोकाती के साथ उनकी टीम द्वारा लगातार निगाहें रखी जा रही थी। बताया गया कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर उक्त आरोपियों के पास से 7,30,000 रुपए कीमत की 75 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें स्थानीय विक्रेता एवं स्थानीय विक्रेताओं को बाहर से सप्लाई करने वाले लोगों सहित पूरी श्रृंखला का खुलासा किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ये कहना चाहूंगा कि जन आंदोलन से बड़ी और जन अपेक्षा से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अगर पब्लिक का एक बार साथ मिल जाता है, पब्लिक की तरफ से डिमांड आ जाती है कि नहीं साहब आपको ये करना है या प्रशासन और शासन को ऐसा करना है, तो हम भी और शिद्दत से उस पर काम करते हैं। तो एक बहुत अच्छा आपने जो बताया है कि पब्लिक ने इसको आगे बढ़ाया है और हम पब्लिक के साथ मिलकर काम करेंगे। लगातार हम लोग लगभग पिछले 2 माह से अवैध नशे, ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लगभग 12 NDPS के प्रकरण पहले बनाए जा चुके हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी बासोदा शहर की टीम को मिली है। 2 लोकल व्यक्ति जिनका नाम महेंद्र यादव और नितेश दुबे है, इनको हमारी टीम ने पकड़ा और इनके पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनको सप्लाई करने वाला एक लटेरी का व्यक्ति निकल के आया, जो कि कदीर खान था। उससे इन्होंने 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। जब हम इसकी और तह तक गए, इसकी और पड़ताल की हमने, तो इसमें मूल सप्लायर जो था वो राजस्थान के 12 जिले का इरशाद अहमद निकल के आया और उसके पास से हमें 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। तो इस तरह से 4 आरोपी गिरफ्तार करते हुए, जो पूरा इनका नेटवर्क था उसको पकड़ते हुए, हमारी टीम ने 75 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये है, बरामद किया है। इसमें हमने 4 अलग अलग NDPS के प्रकरण दर्ज किए हैं और जो हमारी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पूरी टीम को हम नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे और अभी इसमें और भी पूछताछ चूंकि हो रही है, तो हम देखते हैं कि और इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।